to the art talk again, and we have eminent artists joining us today. And before we start, let's talk about the art talk. The art talk series is a series by Sneha Arts, and Sneha is one of the leading art galleries in South India. And Dr. Snehalata Prasad, who is the director of the Sneha Arts, is also an art collector, and every year she believes that there should be a lot of events related to art, and this is one of the initiative. And today we are honored to have the most eminent artist, Vidya Sagar ji, who is joining us today. And he's not only well known in India, but internationally he's claimed a lot of recognition, and everybody in the art fraternity knows about him. So we are honored to have you here, sir. Thanks a lot for joining in. आपके बारे में बहुत सुना और आपकी आर्ट भी बहुत देखी, एंड आज आज बहुत अच्छा लगा आप शो पे आए हैं. एंड बहुत सारे जो आर्ट फ्रेटर्निटी में हैं, आर्टिस्ट हैं, पुराने आर्टिस्ट हैं, और बहुत सारे नए आर्टिस्ट हैं जो ये पैंडेमिक में आर्ट करना शुरू किए, उनको टाइम मिला है, सब ये शो देख रहे हैं. तो उनके उनके कुछ क्वेश्चन हैं तो वो भी हम पूछेंगे. मेरा पहला क्वेश्चन, आपकी चाइल्डहुड डेज कैसी थी? व्हाट वर द मोस्ट मेमोरेबल चाइल्डहुड डेज? एंड लिविंग फ्रॉम अ ट्राइबल एरिया, वेरी स्मॉल, आई वुडंट इवन से टाउन बिकॉज इट्स अ ट्राइबल एरिया, वहाँ से यहाँ तक की जर्नी आपको मोस्ट मेमोरेबल कैसे लगती है? नमस्कार। मैं बहुत छोटे से गांव से हूँ, राजस्थान का साउथ जो है बांसवाड़ा, वहां से हूँ। और बांसवाड़ा में एक छोटा सा गांव है प्रतापपुर, वहाँ मेरी आरंभिक शिक्षा हुई है। मैं पला बड़ा वहां हुआ हूँ, आज भी मेरा दिल वहीं बसता है, क्योंकि बचपन जहाँ होता है वो जो है वो जवानी या बुढ़ापे या और किसी में भी वो स्थितियां नहीं आती, और वो हमेशा वो याद। वहीं से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। फिर मैं बांसवाड़ा थोड़ा टाइम पढ़ा और मैं उदयपुर आ गया। उदयपुर यूनिवर्सिटी में मैंने फाइन आर्ट डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया, और वहीं से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, फॉर्मल फाइन आर्ट एजुकेशन की बात करें तो। और इसे पहले मैं आर्ट करता रहा हूँ, ग्रेजुएशन किया है, पर मास्टर डिग्री मैंने वहीं से की है। और अच्छे काबिल अध्यापकों के बीच में, बड़े अच्छे टीचर के साथ में, बड़े अच्छे आर्टिस्ट थे जिन्होंने मुझे बहुत संस्कारित किया। तो वहां से मेरी स्टडी स्टार्ट हुई। इसके बाद में मैं जो है वो अपनी जॉब मैंने ज्वाइन किया। उस जमाने में फ्रीलांसिंग बड़ा मुश्किल था, मैं बात कर रहा हूँ 70 की। तो तब मैंने जो है वो आर्ट टीचर का जॉब स्टार्ट किया। पहले प्राइवेट स्कूल में था एक, वहीं उदयपुर में, और थोड़ा सा टाइम रहा। इसके बाद में मैं गवर्नमेंट जॉब में, देवगढ़ बहुत खूबसूरत जगह है उदयपुर के, दूर है, वहां मैंने ज्वाइन। और 5 साल में उस बहुत खूबसूरत जगह में मैं रहा हूँ। और देवगढ़ का आज भी मैं देवगढ़ का कहा जाता हूँ, इतना देवगढ़ मेरे अंदर रसा रसा रहा है। इसका कारण यह है कि मैंने जो आर्ट किया उसमें देवगढ़ का बहुत बड़ा असर उस मुझे मेरे आर्ट में दिखा। बाद में फिर मैं जयपुर आ गया, आर्ट कॉलेज मैंने ज्वाइन किया, और आज भी मैं जयपुर रह रहा हूँ। जब भी मौका मिलता है थोड़ा सा बाहर घूम लेता हूँ और अपना काम करता हूँ। मैं ज्यादा टाइम मेरा अपने स्टूडियो में व्यतीत। आपका पेरेंट्स का रिएक्शन कैसा था? मतलब बचपन में जब आपने डिसाइड किया मैं आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, या जब वो देख रहे थे कि आप पहले पहले आर्ट कर रहे थे, तो क्या रिएक्शन था? उनको तो सबसे अच्छी बात ये थी मेरे लिए कि मैं जो भी करना चाहता था वो मुझे करने दिया। सपोर्ट मिलता है? कभी भी उन्होंने मुझे रोका नहीं, और इसके बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं किए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और बड़ी दुनिया भी नहीं देखी। पर हाँ, ये जानते थे कि स्पेशली मेरे फादर ये जानते थे कि आर्ट क्या होता है, आर्टिस्ट क्या होता है, वो कैसे जीता है। और क्योंकि वो बॉम्बे में जॉब करते थे, उसके सामने ही जेजे आर्ट कॉलेज, तो वो देखते थे वहां। उनके ऑफिस में भी बड़े इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के थे, ड्राफ्ट्समैन वगैरह सब जैसे क्लास में थे। तो तब से जो है वो उनको तो अच्छा लगता था, और वो चाहते भी थे कि मैं आर्ट आर्ट में थोड़ा आगे जाऊं। तभी उन्होंने ज्यादा फ्रीडम मुझे दी और मैं आगे बढ़ा। मेरे गांव में, इवन मेरे पूरे डिस्ट्रिक्ट में, किसी ने मेरे से पहले आर्ट नहीं किया। जो भी किया था वो शौकिया, कोई साइन बोर्ड कहते थे वो अपने आप को आर्टिस्ट कहते थे, इस तरह की स्थिति। कोई आर्ट टीचर थे जो बेचारे बहुत ज्यादा पढ़े हुए नहीं थे, पर हाँ वो टीचिंग जॉब में थे तो आर्टिस्ट करते थे। और
और उनसे थोड़ा मुझे संस्कार मिले। वहां से निकल के मैं बड़े बड़े कैनवेस पे आया हूँ और कुछ काम कर रहा हूँ। बट वो ट्राइब में जब रहते हैं तो वो लोगों का ये एक ये रहता है कि एम्बिशन ये बड़ा पढ़ेगा और बाहर जाएगा, या तो डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा उस दिनों में। मतलब वो क्या बोलते हैं, जिज्ञासा बिल्कुल बहुत सही, ज़्यादा ही होती थी उस टाइम पे। बिल्कुल सही है। हर पेरेंट्स आज भी, उन दिनों की ही बात नहीं है, उसमें अभी भी मैं कहूंगा हमारे यहाँ सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग जो है वो उसमें से 90% चाहे आर्टिस्ट भी हो तो भी अपने बच्चे बच्चे को आर्टिस्ट नहीं बनाना चाहते हैं और पहले डॉक्टर इंजीनियर का ही ख्वाब देखते हैं और इसके बाद में अगर थोड़ा वो है तो उसको आईएएस बनाने का या अरे जो स्टेट सर्विसेज में जाने का वो सोचते हैं। ये मिथ है कि आर्टिस्ट है तो भूखा मरे, आर्टिस्ट को स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ेगा और उसके लिए नौकरियां हैं कहाँ, ये सोच करके जो है वो बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं इससे दूर जाते। थोड़ी स्थितियां बदली हैं पिछले कुछ सालों में, जो है वो फ्रीलांस आर्टिस्ट हमारे देश में काफी अच्छी संख्या में इसीलिए हुए हैं कि आर्ट का माहौल बदला है, आर्ट के प्रति सोच बदली है। लोग बाग एडमिशन के लिए जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं वहां लंबी लाइन लगती है और बड़ी मुश्किल से कहीं ना कहीं मौका मिलता है। ये स्थितियां अभी पिछले सालों में हुई हैं, निश्चित रूप से कला जगत के लिए, इस देश के लिए भी बहुत अच्छी कि हम जो है वो आर्ट से, कला संस्कृति से जुड़ रहे हैं और उसके संस्कार जो हैं वो अन्य विषयों में से बहुत भिन्न होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। कॉलेज डेज कैसे थे? मतलब ऐसा कभी लगता है कि आजकल के स्टूडेंट्स बहुत लकी है, हमारे ज़माने में ये सब कुछ नहीं था? बिल्कुल सही बात है। आज जो सुविधाएं मिल रही हैं, इवन हम उनके पेरेंट्स की जो फाइनेंशियल स्टेटस जो चेंज हुआ है, पहले वो इतना नहीं था तो हमें आर्ट मटेरियल के लिए हमें जो है वो स्ट्रगल करना पड़ता था, हमें खुद को मेहनत करके और कुछ अर्न करना पड़ता था और उसके बाद में हम पढ़ते थे या मटेरियल जुटा सकते थे। ये स्थितियां भी हुई हैं, अगर हमें कहीं टूर पे जाना है तो वो पैसा हम कुछ कमाएंगे तो ही जा सकते हैं, अदरवाइज जा नहीं सकते थे, ये स्थितियां हुआ करती थी। तो आज तो उनको जो है वो सारी सुविधाएं मिलती हैं, सरकार की ओर से भी बहुत सुविधाएं हैं, पेरेंट्स भी काफी सुविधाएं देते हैं और वेन्यू
अपॉर्चुनिटीज भी बहुत हैं कि जो है वो कहीं पर भी थोड़ा अपना काम करेंगे तो उनको 2 पैसा ज्यादा मिलेंगे। इसलिए हमारे टाइम में जो स्ट्रगल था वो आज नहीं है, अच्छी बात है, नहीं होना भी नहीं चाहिए, जिससे कम से कम कुछ अच्छे आर्ट स्टूडेंट्स निकल सकें और कुछ अच्छा काम सोसाइटी में कर सकें। सर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। विनय त्रिपेदी जी त्रिवेदी जी बोल रहे हैं वाह, सत्यक वादित सुनने को मिला, बहुत आभारी हैं ये। आलोक मजुमदार जी बोल रहे हैं विद्यासागर जी इज़ अ रेनाउंड पेंटर, आई हैव सीन हिज वर्क इन द पास्ट, सो ही इज़ कॉम्प्लीमेंटिंग यू विथ योर वर्क। सो ऐसे बीच में बहुत सारे कमेंट्स सभी आएंगे। सभी साथियों का बहुत स्नेह है और वो स्नेह मुझे आरंभ से मिलता रहा है, चाहे मैं देश के किसी भी कोने में चला जाऊं तो हम एक दूसरे को संवाद की स्थिति में बनाए रखते हैं, ये इस आर्ट की खूबी है। और अगर ये आर्टिस्ट काम करता रहता है, एक दूसरे से जुड़ाव जो है वो आसानी से। आपने कॉलेज के दोनों तरफ काम किए, एज अ स्टूडेंट बेंच के उस तरफ थे, मतलब पीछे थे, और बहुत सारे बेंचेस के आगे खड़े होके आपने टीचिंग भी की है। सो दोनों का क्या डिफरेंस था, क्या चीज़ें थी जो बेंच के पीछे बैठ के एज अ स्टूडेंट आप मस्ती करते थे, बाद में वो आपको फिर से देखना पड़ा कि कोई और स्टूडेंट्स आपको ऊपर कर रहा है? नहीं, मुझे अच्छा लगता था, मुझे मेरे अपने दिन याद आते हैं, आज भी अच्छा लगता है कि हम जिस तरह की मैं तो कहूंगा अटखेलिया करते थे, वैसे आज थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत बंदिशों में बहुत अलग तरह का जीवन जीने की स्थितियां हैं, कई तरह के उनके दूसरे तरह के साधन मिल गए हैं, तो उससे तो हम मैं तो खेलता भी खूब था, स्पोर्ट्समैन भी रहा हूं मैं तो, और काम भी खूब करता था, आउटडोर स्टडी भी खूब करता था, लैंडस्केपिंग बहुत करता था। और आज हम देखते हैं तो आज का स्टूडेंट इतना इतना फ्रीली या इतना मस्ती से अपना जीवन नहीं जीता है, शायद आज के समय की कुछ अलग स्थितियां होंगी ऐसा लगता मैं है। तो पर्सनली आर्ट निश्चित से कॉलेज में जब मैं पढ़ाता रहा हूँ कॉलेज में, तो मेरे अपने दिनों को मैं हमेशा याद रखता और उनमें मैं अपने आप को देखता रहा कि जब मैं खुद इस तरह का था और मैंने भी कई तरह के जो है वो साथियों के साथ में, टीचर्स के साथ में कुछ ना कुछ बदमाशियां की हैं, तो अगर एक स्टूडेंट नहीं करेगा तो मैं उसको आगे चल के कहते कि तुम स्टूडेंट हो, तुम जो है वो बाद में ये नहीं कर सकोगे, अभी सब जो जो कुछ भी कर सकते हो अपनी मर्यादा में रह करके कुछ अच्छी चीजें करो। और मैं खुद आर्ट क्लासेस में या आर्ट कॉलेज का कभी नहीं देखा, बट हमारे बेंचेस में विदाउट बीइंग एन आर्टिस्ट और नॉट बीइंग इन एन आर्ट स्टू नॉट बीइंग एन आर्ट स्टूडेंट, बेंच पे बहुत सारी कलाकारियाँ हो जाती थी। वो कैंपास लेके एंड ऑल दैट, ये आर्ट कॉलेज में क्या क्या माहौल रहता है जनरली बेंचेस के ऊपर? आर्ट कॉलेज में बहुत ज्यादा होती है, नहीं होती है ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट तो स्टूडेंट है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट किसी भी फैकल्टी से हो, स्टूडेंट हमेशा अपने कुछ खुराफाते नहीं करेगा, ऐसा हो नहीं सकता। मैं स्पोर्ट्समैन के साथ में स्टूडेंट लीडर भी था, तो आए दिन कुछ तो कुछ हंगामे करने की एक आदत सी हो गई थी, तो वो हंगामे भी साथ साथ तो क्लास में भी कुछ कर लेते थे, और जो दोस्त थे उनको भी उकसा देते थे। मैं हॉस्टल में रहता था तो हॉस्टल के वार्डन को किस तरह से परेशान किया जाए वो भी खेल करते थे, और वार्डन बेचारा जो है वो आकर के कहता था कि अब तो माफ करो मुझे, रात को 12, रात के 12 1 बज रही है, मुझे सोने दो, ये स्थितियां भी होती थी। तो ये एक समय की स्थिति है जो होती है, और जो मेरे स्टूडेंट रहे उनको तो मालूम है कि मैं बहुत फ्रीडम पसंद टीचर रहा हूँ, और उनमें उनको जितनी फ्रीडम मैं दे सकता हूँ वो मैंने दी है, और इसी का फल मुझे मिला है कि काफी अच्छे स्टूडेंट्स मेरे कॉलेज से निकले। सुपर। सो आपने कब डिसाइड किया कि मेरे को सीरियस आर्टिस्ट बनना है, यही मेरा रोल है, मैं यही बनूंगा? सो कौन से फेज ऑफ लाइफ, क्या एज थी आपकी उस मैं टाइम? शुरुआत से ही जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, मास्टर डिग्री कर रहा था, तो तब मुझे जो ये रियलाइज हो गया था कि इसके अलावा मैं और दूसरा कुछ कोई चीज नहीं, मैं आर्ट करूंगा, आर्टिस्ट बनूंगा कि नहीं बनूंगा वो तो मैंने कभी सोचा भी नहीं, पर आज भी बनाऊं कि नहीं बनाऊं उसकी भी मुझे वो ज्यादा नहीं, पर हाँ मैं उस आर्ट में जीता हूं और मेरे दोस्तों को मेरी आर्ट से आनंद आता है, ये मुझे बहुत अच्छा।
जीवन के आरंभिक जो स्ट्रगल पीरियड है वहीं से मैंने सोच लिया था कि मैं आर्ट करूंगा और चाहे कुछ भी हो जाए मैं एज एन आर्टिस्ट ही अपनी आइडेंटिटी बनाऊं। और कोशिश भी यही, आज भी यही कोशिश है कि मैं कुछ करता। सो आपको लैंडस्केपिंग पहले आप करते थे, फिर बाद में आप एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में मूव हो गए, ये कब शिफ्ट हुआ? लैंडस्केप तो मैं आज भी करता हूँ। शुरू में मैं स्पोर्ट पे लैंडस्केपिंग करता था और अब मैं यहां से लैंडस्केप। तो जो स्पोर्ट वाली जो स्थितियां हैं वो मैं इन दोनों आंखों से ले लेता हूँ और यहाँ जोड़ देता हूँ मैं उसको। और जब मौका आता है मेरे एक्सपीरियंसेस से, मेरी सोच के साथ में और एक एनवायरमेंट के साथ में, तो मैं उसको जो है वो एक रूप देता हूँ, जिसे चाहे उसको एब्स्ट्रैक्ट कर दीजिए, चाहे कुछ भी कर दीजिए, पर वो मेरे लैंडस्केप, मेरे ऑर्केस्ट्रा है जो मैं उसको चला सकता। सर आजकल तो सर्च इंजन का ज़माना है, सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है, सब कुछ गूगल कर लेते हैं लोग। वो ज़माने में खाली लाइब्रेरीज होती थी, और बहुत टाइम लेना पड़ता है किसी के ऊपर रिसर्च करने के लिए। सो आपका क्या स्टाइल था कुछ रिफरेंस करने के लिए, या आर्ट में अगर कुछ ढूंढना है, किसी का एग्जाम्पल देखना है, पुराने आर्टिस्ट जो फेमस थे ऑलरेडी उस टाइम पे, उनका कुछ ढूंढना है, तो कहाँ क्या करते थे आप? आज तो आसान है, आज तो आपने जैसे बताया तो गूगल जो है वो सबका मास्टर है या पूरा एनसाइक्लोपीडिया है, तो आज तो इतनी मुश्किल नहीं है। एक छोटे छोटे आर्टिस्ट की भी जो है वो डिटेल मिल सकती है, पर हमारे जमाने में केवल पुस्तकें होती थी या बाहर जाते थे तो आर्ट म्यूजियम्स होते थे, इसके अलावा दूसरा कोई या जो जाके आया है तो कुछ फोटोग्राफ्स लाता था तो उसको हम बड़े प्रेम से देखते थे और उसके उसके अनुभवों को जो है वो। आज हम बाहर से आते हैं तो कोई नहीं पूछता है कि क्या देखा था, कहाँ गए थे, क्या, क्योंकि वो भी मैं लूवर गया तो वो भी लूवर जाकर के आया है या आज भी अभी बैठा बैठा भी लूवर जाकर के आ सकता है, ये स्थितियां आज हुई है। तो इसी का फल है कि हमारे स्टूडेंट्स जो है ज्यादातर कैमरे का यूज करते हैं, स्केच नहीं बनाते, आउटडोर में नहीं जाते, अंदर ही बैठ करके उनकी सारी दुनिया देख लेते हैं और उसकी लिमिटेशंस भी क्या है वो आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं। आर्टिस्ट जब तक बाहर नहीं निकलेगा, आर्टिस्ट जब तक अपने अपने जहन में प्रैक्टिकली नहीं देखेगा, तब तक वो आर्ट नहीं कर सकता, जो कुछ भी करेगा वो सुपरफिशियल। आपके आपकी आइडियोलॉजी कहाँ से आपने एक्सट्रैक्ट की है? मतलब पुराने जमाने, उस ज़माने में फेमस जो आर्टिस्ट है, किन की आइडियोलॉजी आपको बहुत इम्प्रेस किया हुआ? जो भी आर्टिस्ट लीक से हट करके काम करता करता था वो मेरे लिए आदर्श हो। मैंने कभी भी ट्रेडिशनल वे में काम करना कभी पसंद नहीं, जबकि मैं इस शहर का रहने वाला हूँ, इस प्रांत का रहने वाला हूँ जहाँ हर गली में ट्रेडिशनल होता। मुझे मालूम है कि मैं उससे हटके, उससे बाहर आकर के कुछ नया करूं, ये मैंने शुरू से ही एक संकल्प ले रखा था कि मैं ये नहीं करूं। तो मैंने कभी ट्रेडिशनल पेंटिंग नहीं किया। ट्रेडिशनल पेंटिंग को जज्ब किया है, ट्रेडिशनल पेंटिंग को खूब पढ़ा है, खूब देखा है, ट्रेडिशनल आर्टिस्ट के साथ में मैं खूब रहा हूँ, खूब काम किया, पर मैंने खुद ने कभी नहीं किया है। क्यों? कि मुझे ये मालूम है कि एक नया करने के लिए व्यक्ति को क्या होना चाहिए और नया करने के बाद में उसकी क्या स्थिति, पुराना करना या पुराने के से निकालना मैं नहीं पसंद। तो बाकी कमेंट्स भी आ रहे हैं, विनय शर्मा जी बोल रहे हैं बहुत ही जान विदक ज्ञानवर्धक है, ज्ञानवर्धक है, सॉरी मेरी हिंदी ऐसी कोई बात बहुत ज्ञानवर्धक मैं नहीं कह रहा हूँ। जो हर आर्टिस्ट अपने अपने समय में जिस तरह से अनुभव करता है, सोचता है और करने का प्रयास करता है जीवन के आखिरी पल तक, वो मैं भी कर रहा हूँ। मैं कोई बहुत कोई मिरेकल करने की या कोई बड़ा गिनीज बुक्स में नाम लिखवाने की स्थिति में मैं नहीं। अजय समीर सर भी हाय बोल रहे हैं आपको, हाय हेलो बोल रहे हैं।
And Karthikeyan is saying, so proud of you, sir. So looks like बहुत he is बहुत your धन्यवाद, student. हमें अच्छा लगा, हम आपसे सबसे जो है इनडायरेक्ट रूबरू हो रहे हैं। आज समय ही ऐसा है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसे भी किसी न किसी बहाने रूबरू तो हो रहे हैं एक दूसरे से और अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। या आर्ट को या स्नेहा जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के ये मौका सबको दे रहे हैं। अजय समीर सर के बारे में कुछ बताइए बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट जी क्वेश्चन. जी अजय समीर सर के बारे में, अजय समीर सर, सॉरी, या आई वॉज थिंकिंग वो भी आप उनको जानते हैं तो उसी के लिए मैं पूछ रहा था. बट या नेक्स्ट क्वेश्चन सर, आपको काला काले बाबा के तरह नाम दिया गया था, सो इसके पीछे क्या स्टोरी है? ऐसा कुछ नहीं है, मैं 20 साल तक केवल ब्लैक से ब्लैक और व्हाइट के साथ में जर्नी मैंने की, तो उस पूरे पीरियड में मैं मेरे घरवाले भी परेशान थे, सब थे कि ये काला ही करते हैं, काला ही पहनते हैं और अपने कर्टेन भी काले ही रखते हैं। ओके. कुछ मुझे ब्लैक से आज भी बहुत ज्यादा स्नेह है और मैं उसको सब कलर का पिता मानता हूँ, व्हाइट को सब कलर का की माता मानता हूँ। तो ये दो कलर जो मेरे लिए जो है और सारे कलर्स को मैं उसके अंदर ले सकता हूँ। ये मैंने 20 साल में प्रूव किया है, बड़े बड़े कैनवेसेस किए हैं, बड़ी ड्राइंग्स किए हैं, लिथोग्राफ्स एचिंग वगैरह सब किया है। तो तब लोग बाग जब एक ही कलर देखते थे मेरे शरीर पे भी, इसलिए वो थोड़ा दोस्त लोग काला बाबा बोलते थे, पर ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बहुत साफ सुथरा हूँ। तो ऐसे ब्लैक मेरा भी फेवरेट है सर. खाली ये शो पे मैं कुर्ता पहनता हूँ, बट अदरवाइज ब्लैक टी शर्ट, ये एक मेरा सिग्नेचर स्टाइल है. सो आज भी मैं दो चीज दो अगर शर्ट खरीदूंगा तो एक ब्लैक होगा ही, जबकि मैं अभी जो काम कर रहा हूं उसमें वो सारे कलर हैं जो दुनिया में मौजूद, अलग अलग वैरायटीज ऑफ कलर्स या यूज ऑफ कलर्स में यूज करता हूँ उसमें, पर ब्लैक आपको मिलेगा ही, उसका अंत ब्लैक में ही होगा। ओके. सो कब स्विच किए अब ब्लैक से कलर्स पे, कब स्विच किए? 84-85 के बाद में मैंने शुरू किया और वो 90s में मैं कलर फुल्ली कलर काम करने लगा, तो 90s ये आपने प्रिंट मेकिंग भी की है, उसकी जर्नी कैसे थे उसमें? मतलब कौन से स्टाइल्स थे और आपका फेवरेट उसमें कौन सा स्टाइल था? मैं जो है वो एचिंग और लिथोग्राफी दोनों ही मेरे प्रिय माध्यम है, और एचिंग में भी विस्कोसिटी है और एक्वाटेंट है, एजोटेंट है, ये मैं काफी करता था, इवन ड्राई पॉइंट भी मैंने किया है। और लिथोग्राफी में ब्लैक एंड व्हाइट को की जो खूबसूरती है वो ड्राइंग की खूबसूरती लिथो में आती है, तो मैंने इसलिए लिथोग्राफी। सो लाइफ एज अ टीचर, अभी भी आप सुना है कि आप स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा गाइड करते हैं. जब कोई स्टूडेंट स्टक हो जाता है कहीं पे, अटक जाता है, तो उसको बहुत अच्छा गाइडेंस देते हैं. तो क्यों डिसाइड किया आपने टीचिंग प्रोफेशन पे जाने के लिए? बिकॉज़ आर्टिस्ट, बीइंग एन आर्टिस्ट, उसमें ही बहुत टाइम लग जाता है, खुद के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है. बट ये टीचिंग में आप क्यों शुरुआत में ही मैंने आपसे कहा कि एक हमारे समय में फ्रीलांसिंग बहुत गिने चुने लोग होते थे, क्योंकि बड़ा मुश्किल काम था। मैं परिवार वाला था, मेरे सारे परिवार मेरे पे डिपेंड करता था, तो मैं परिवार की उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए और मैंने अपने आप को भी सुरक्षित रखने के लिए, उस जमाने में मैंने बहुत साफ बोलता हूँ कि मैं सुरक्षित रखने के जॉब्स, पर मेरे स्टूडेंट्स भी जानते हैं, मेरे दोस्त भी जानते हैं कि जॉब और मेरा काम दोनों पैरेलल चले हैं या दोनों कहो के एक ही थे, तो मुझे कभी वो नहीं। क्लास में मैं बैठता था तो स्टूडेंट अपना काम कर रहे हैं तो मेरा कैनवस भी लगा हुआ है, मेरी ड्राइंग भी लगी हुई है, प्रिंट वो कर रहे हैं तो मेरा अपना स्टोन भी साथ चल रहा है, तो हम ये काम शुरू से ही करते रहे हैं। और वो अगर रात को 12 बजे तक मैं स्टूडेंट्स के साथ काम कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो अपना काम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में जुड़ करके काम, तो मैंने कभी मुझे ये जॉब जो है वो मेरे अपने काम में
हर्डल के रूप में कभी नहीं आया, हमें हमेशा सपोर्टिंग रोल प्ले किया और स्टूडेंट्स को हमेशा एनर्जी देते रहे मुझे। आज भी जब भी जरूरत होती है तो मैं कुछ मेरे पुराने स्टूडेंट, अब तो दोस्त हैं वो, उनको बुलाता हूँ और बैठ करके बात करते हैं या कुछ नए प्रोग्राम की प्लानिंग करते हैं। ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि जो है वो आर्ट टीचिंग और आर्ट दोनों और एक अच्छे इंस्टीट्यूट में काम करने का मौका जो मिला, अच्छे स्टूडेंट्स के साथ में काम करने का मिला मौका मिला, अच्छे माहौल में काम करने का मौका मिला, तो इसलिए मैं उसको आगे चलाता रहा। जिस रोज मुझे लगा कि अब मैं यहाँ अब मैं फिट नहीं हो रहा हूँ या मेरे काम में अब गड़बड़ है, उसी रोज मैंने जॉब छोड़ दिया। तो एक आपने अपने दोनों एंगल्स देखे हैं, एक स्टूडेंट का एंगल देखा है, एक टीचर का एंगल देखा है, दोनों लाइफ को आपने जिया है। तो एक स्टूडेंट और टीचर की क्या बॉन्डिंग होनी चाहिए? व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द स्टूडेंट एंड व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अ टीचर इन द आर्ट फील्ड? आज के समय में थोड़ी देर ये जो आप पूछ रहे हैं उसका जवाब थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि आज स्टूडेंट आता है आर्टिस्ट बनने की, शुरुआत में ही उसको जो है वो आर्ट गैलरी का और आर्ट सेलिंग का एक स्वप्न लेकर के आता है। देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स मुझे मिलते हैं या कभी मेरे से बात करते हैं तो ये कहते हैं कि पैकेज क्या मिलेगा। हाँ. अब मैं कहूंगा आर्ट में और पैकेज, तो आपको तो पैकेज देना पड़ेगा, लेने की स्थिति नहीं है तो, और जिंदगी भर आपको वही स्थिति करनी पड़ेगी। आपके पास में कितनी भी सुख सुविधा आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो आपको आर्ट में तो स्ट्रगल करना ही है, आर्ट के साथ तो आपको रोज जीना ही है। आप कितने ही, मैं आज अगर 2-3 साल तक काम नहीं करूंगा तो लोग मुझे भूल जाएंगे, एक वंस अपॉन ए टाइम स्थिति आ जाएगी। वो उससे ऊपर रहने के लिए आज के स्टूडेंट में परसेंटेज बहुत कम रहा है जो इस तरह का जीवन जीने की स्थिति में, कारण जो भौतिकवादी ज्यादा स्थितियां हो गई है और फील्ड में उनको जो है वो खूब पैसे की एक हालत है, तो इसलिए है। पर जब ये इसको एंजॉय करने लगता है, जब ये मार्केट में एस्टेब्लिश होता है, जब इसके काम की डिमांड बढ़ती है, तो और लोग जो है उसे चलते, और यही आर्ट की खूबी, वो अपना काम करेगा और ईमानदारी से काम करता जाएगा तो निश्चित रूप से उसको हर स्थिति में उसको वो जो डिजर्व करता है वो जरूर मिलेगा। बाकी कॉम्प्लीमेंट्स भी आ रहे हैं सर आपके लिए। रेमी कुमारी जी गुड आफ्टरनून बोल रहे हैं, गुड आफ्टरनून सर। जी एन रचना सेइंग हेलो। विभूति पांड्या वाव नाइस टू सी यू हियर सर, प्राउड ऑफ यू। एंड हेमंत द्विवेदी जी बोल रहे हैं नमस्ते। एंड स्नेहा जी बोल रहे हैं प्राउड ऑफ यू सर। तो ये ललित शर्मा जी नमस्ते बोल रहे हैं, बहुत ही स्वाभाविक। सभी सभी को मेरी ओर से बहुत बड़ा 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 नमस्ते। थैंक यू। एंड लोकेंद्र चौधरी जी नमस्कार बोल रहे हैं आपको, ही इज आल्सो वाचिंग द शो। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सर, मैंने सुना है कि आप एक आइडिया मैन हो जो हु इज ऑलवेज बिहाइंड यू नो क्रिएटिंग यू नो इवेंट्स प्रमोशंस, सभी आर्टिस्ट को मिला के कुछ एक्टिविटीज करना। सो एग्जीक्यूशन कोई और करता था बट वो आइडियोलॉजी आपकी थी बहुत सारे इवेंट्स में। ये इसके बारे में, ये जो फेस था आपका और अभी भी है, सबको मिला के लेट्स हाईलाइट आर्ट, लेट्स डू सम इवेंट, ये शहर को कला के क्षेत्र में जिंदा चल और रोज जो है वो कुछ नई से नई एक्टिविटी हो, युवा कलाकार ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहें, वो अपने नए से नए प्रोजेक्ट में काम करते रहें, हमारे ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस हमारे से जुड़ती रहे, ये शुरू से मेरा प्रयास रहा। मैं जब आरंभ में जब शुरू किया था तो हमने, हमारी एक आर्ट संस्था है प्रकमण 28, प्रकमण एक्सपेरिमेंटल आर्टिस्ट उस जमाने में जो आउट लीग से हटके काम करते थे वो सारे उसके मेंबर थे, आज भी टकपन अपने जगह काफी काम करती है और हमारा एक सेंटर है उदयपुर में टकपन, तो आर्ट गैलरीज वगैरह हम वहां चलाते हैं, तो उसके थ्रू भी हम कई एक्टिविटीज करते हैं। और जयपुर में आपने देखा भी और सुना भी हो, रंग मल्हार हम एक रेगुलर एक्टिविटी करते हैं, तो इस साल हमने जैसे इंटरनेशनल
रंगमल्हार किया था, तो करीब 3,500-3,000 आर्टिस्टों ने पार्टिसिपेट किया था ऑनलाइन, और हर साल हम इस रंगमल्हार को पूरे राजस्थान में करते हैं, अब बाहर भी करने लगे हैं। तो ऐसी एक्टिविटी है, कभी जो है वो कोई ऐसा इवेंट भी हम वो करते हैं जो कि 10 आर्टिस्टों ने किसी एक प्लान लिया और उसको जो है वो इस पे जो है वो अपने अपने जो है वो इंस्टॉलेशन किए हैं या अपने प्रेजेंटेशन किए हैं, कोई वीडियो का प्रेजेंटेशन है। तो हमने जैसे आर्ट समिट स्टार्ट किया था, तो इस तरह से बहुत सारी एक्टिविटीज करना अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा दायित्व बनता है सोसाइटी के प्रति कि हम कुछ करें या हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उसको हम जो है वो लाइवली वातावरण दें जिससे कि वो आगे से आगे कुछ करते रहे। अच्छा है, और सोसाइटी में लोग सपोर्ट भी करते हैं, और हम जो है वो नई से नई गतिविधि, चाहे जयपुर में है, जयपुर से बाहर है, राजस्थान से बाहर है, तो हमने इंटरनेशनल एक्सचेंज राजस्थान में स्टार्ट किया, तो हमने वेल्स के साथ एक्सचेंज किया है, हंगरी के साथ एक्सचेंज किया, जर्मनी के साथ एक्सचेंज किया है, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ एक्सचेंज किया, अभी कोरिया के साथ में हमने एक्सचेंज कर रखा है, इजिप्ट के साथ एक्सचेंज कर रखा है। तो ये हम ये वहां के आर्टिस्ट हमारे यहाँ आते हैं, हमारे आर्टिस्ट वहां जाते हैं, तो ये इस तरह के कई एक्टिविटीज जो हैं दोस्तों के सहयोग से, मैं अकेला कुछ भी नहीं करता हूँ, मेरे दोस्त जो मेरे साथ जो हैं उनका बहुत वो बहुत लाइवली है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो मुझे जो है वो उकसाते रहते हैं कि अब क्या करना है सर, अब हम क्या करें या अपन ये करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है और ये हर शहर में होना चाहिए। सर, आपके एक्सपीरियंस में आपने पूरा देश घुमाया, आपने बाहर भी बाहर के कल्चर भी आपको पता है, ऐसे कौन से स्टेट्स है, अगर हर स्टेट की एक कला है, उसकी एक आर्ट पैटर्न है, उसकी एक यू नो अपार्ट फ्रॉम मॉडर्न आर्ट जो हम लोग कॉलेज में सीखते हैं, तो हर एक स्टेट के एक आर्टिस्ट हैं, आपके मुताबिक कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें बहुत फेमस है, आर्ट का बहुत इम्पोर्टेंस है, और ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जिसमें आर्ट है बट उतने आर्टिस्ट नहीं हैं जितने होने चाहिए जो वो कला को नेक्स्ट लेवल में, नेक्स्ट जनरेशन तक ले, सक्सेसर्स को आज की तारीख में तो शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहां इस तरह की स्थिति, क्योंकि हर जगह का कलाकार दूसरे कलाकार से सीधा जुड़ा है। एक स्टेट का कलाकार दूसरे स्टेट में आकर के पढ़ता है, दूसरे अच्छे इंस्टीट्यूशन में अपना एडमिशन लेकर के और अपना करियर स्टार्ट करता है, और फिर इसके बाद में हर छोटी सी स्टेट में भी एक स्टेट एकेडमी आर्ट कॉलेज है, तो माहौल अभी बहुत अलग है। तो ऐसा नहीं है कि और फिर आप जानते हैं कि आज के इतने साधन है कि जिसमें सीधा जुड़ता है आपके साथ, आप हैदराबाद में बैठे में जयपुर तो सीधे जुड़ रहे हैं, तो स्टूडेंट आज का मेरे से भी ज्यादा एडवांस है, वो बहुत कुछ जुड़ता है। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्टेट इस तरह का रहा हो, बहुत सारे स्टेट्स की जो फोक आर्ट है, ट्राइबल आर्ट है, ट्रेडिशनल आर्ट है, वो काफी रिच रही है और आज भी चल रही है, उसकी डिमांड भी है मार्केट में, तो इसलिए वो उनका अपने जीविकोपार्जन के लिए बड़ी अच्छे अच्छे साधन के रूप में भी हो रही है। तो इसके साथ में ट्रेडिशनल और कंटेम्प्रेरी का कोई हमारे यहाँ क्लैश नहीं है, बहुत अच्छी बात है, और ये अच्छे से अच्छा माहौल देते हैं और नेक्स्ट जनरेशन को ये फायदा मिले। ओके, सुपर सर, थोड़े और कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं। समदार सिंह खंगरोड सागर सर बोल रहे हैं, माय बेस्ट विशेस एंड कंग्रेचुलेशंस टू स्नेहा आर्ट्स रवि जी एंड श्री विद्यासागर उपाध्याय जी। राजेश दुग्गल जी बोल रहे हैं, इंटरनेशनल आर्टिस्ट एक्सचेंजेस इज़ एन एक्सेलेंट इनिशिएटिव, ये बहुत अच्छी इनिशिएटिव है, बोल रहे हैं राजेश दुग्गल जी। राजेंद्र उपाध्याय सेइंग प्रणाम। विभूति पांड्या हैज़ अ क्वेश्चन, सर व्हाट डू यू थिंक द फ्यूचर ऑफ विजुअल आर्ट, आर यू सैटिस्फाइड विद द एग्जिस्टिंग फाइन आर्ट कॉलेजेस इन इंडिया? विभूति कोर्ट जो है वो बड़े अच्छे कार्टूनिस्ट और बहुत मतलब बहुत वर्सेटाइल कार्टूनिस्ट हैं, बहुत सारी चीजें तोड़ करते ही हैं, तो इसलिए उनका प्रश्न मेरे से ज्यादा उनको जवाब उनके पास है कि उनके जो कॉलेज में आज जो डेडिकेशन है वो पहले होता था क्या, या पहले डेडिकेशन था वैसा आज है क्या, टीचर की जो पहले एक इज्जत हुआ करती थी वो आज गुरु के रूप में इज्जत है या खाली टीचर ही है। कई चीजें बदली हैं,
और समय बदलता है, उसमें कोई ऐसे वो नहीं है, ना टीचर्स को इस तरह का सोचना चाहिए, ना स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा वो स्थिति रखनी चाहिए। पर हाँ, अभी ट्रांजिट पीरियड चल रहा है, बहुत ही कश्मकश का पीरियड है आर्ट कॉलेजेस की। एक पीढ़ी थी वो सारी रिटायर्ड हो गई, दूसरी पीढ़ी आई है और उसमें वो अपने आइडेंटिटी एज ए टीचर, एज ए आर्टिस्ट तो अच्छी हो सकती है, पर एज ए टीचर जो है बहुत चैलेंजिंग जॉब है ये, फाइन आर्ट पढ़ाना, तो एज ए टीचर वो अपने आइडेंटिटी बनाने में लगे हैं, थोड़ा समय लेगा, पर ऐसा नहीं है कि अब आर्ट कॉलेज जो नीचे जा रहे हैं और पहले आर्ट कॉलेज ऊपर। उस समय भी ये कहा जाता था कि इससे पहले वाले ये बोलते थे कि हमारे जमाने में था वो, अब नहीं। आज भी बोलते हैं, या मेरे जैसे भी बोलते हैं कि भाई हमारे टाइम में तो इस तरह से होता था, आज की स्थिति ये नहीं, कल फिर अगली जनरेशन, तो वो ये तो एक समय का आवाजाही चलती रहेगी, पर हाँ हर पीरियड में उसकी अपनी एक ब्यूटी, और वो ब्यूटी हम आज के आर्ट कॉलेजेस में कई स्टूडेंट्स में देखते हैं कि वो लीक से हटके कैसे काम कर रहे हैं, इंस्टॉलेशंस को लेकर के और न्यू मीडिया को लेकर के, कई विजुअल्स के साथ में प्ले कर रहे हैं, म्यूजिक और आर्ट को जोड़ करके कर रहे हैं, आर्ट परफॉर्मेंस के साथ में कर रहे हैं। ये सारे जो चीजें उनको एज एन आर्टिस्ट एस्टेब्लिश होने के लिए बहुत जद्दोजहद के साथ में अपना जीवन जीना पड़ता है, जो बहुत आसान नहीं है आज। अच्छी बात है युवा टीचर्स हैं और इतने ही युवा स्टूडेंट्स हैं, और आर्ट कॉलेजेस में जो पारंपरिक जो सिलेबस है उसके प्रति विद्रोह की शुरुआत भी हो गई है कि आज भी क्या आप लैंडस्केप पढ़ाते हो या क्या स्टिल लाइफ करा रहे हो। आज समय बदल गया है कि लैंडस्केप स्टिल लाइफ से क्या होगा, हम तो यूं ही कर लेंगे। तो वो सारे नए नए जो बातें आ रही हैं सब आ रही है, और अच्छी भी है, क्योंकि बहुत सारा और कुछ करना है। अगर वो समय अगर इसमें इधर वो कर देंगे तो उस वो उधर समय को जो है वो नहीं दे सकेंगे और बहुत पीछे रह जाएंगे। इसलिए दुनिया की आर्ट की, कंटेम्प्रेरी आर्ट की जो दौड़ है उसमें अपने आप को फिट करने के लिए कदम से कदम मिला करके, नए से नए माध्यमों को जोड़ करके, और उनको करना होगा, और कर रहे हैं वो अच्छे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनको उस ओर जाने के लिए प्रयास करने चाहिए। बहुत सारे कॉलेजेस बहुत अच्छी स्थिति में है और बहुत सारे कॉलेजेस बहुत ही खराब स्थिति, इतने खराब स्थिति में हैं कि बेचारे वो स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ में क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं, यहां तक स्थिति आ जाए। और वो मोटी तनख्वाहें जरूर ले रहे हैं पर आर्ट के नाम से ना वो खुद कर रहे हैं ना वो स्टूडेंट्स को कुछ दे रहे हैं। रीजन यही है कि जो एंट्रेंस का, जो टीचिंग का एंट्रेंस का जो अप्रोच है, उनका सिलेक्शन का जो अप्रोच है वो प्रॉपर, अगर वो प्रॉपर होता तो अच्छा टीचर ही आता, अच्छी टीचिंग में जो डेडिकेशन है वही आता, पर आज उसको नेट पास होना है, पीएचडी करना है, तो आर्ट टीचर बनता है, अदरवाइज नहीं बनता, जो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश। एक म्यूजिशियन को कहो कि वो नेट पास कर, भले ही अच्छा बहुत क्लास म्यूजिशियन है, पर वो वहां वो काबिल नहीं है पढ़ाने के लिए, नेट पास होगा चाहे वो गधा होगा तब भी वो पढ़ाने के लिए काबिल है। ये स्थिति जो है उससे तो जो है वो बाहर आना पड़ेगा, तभी जाकर के नेम। सर, आपका पर्सनल चॉइस क्या है? आप अगर चांस मिले तो सिटी में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हो या फॉरेस्ट एंड विलेजेस? मैं आज भी गांव रेगुलर जाता रहता हूं और यहाँ पे भी मेरे आसपास के जो गांव हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैं तो बचपन मेरा, आज भी मैं गांव का ही आदमी हूँ, शहर तो मेरी मजबूरी है रहने। मेरा मेरा मन होगा, मन की होगी तो मैं निश्चित रूप से गांव में ही जाकर के रहना चाहूंगा, पर बड़ा मुश्किल है इस देश में, गांव में जीना बड़ा आसान नहीं है। पर हाँ धीरे धीरे बहुत सारी चीजें हमने, जैसे मेरा अपना गांव है, मेरे गांव में हम लोगों ने पूरे आर्ट का माहौल बना रखा है, करीब 500 से ऊपर विदेशी आर्टिस्ट मेरे गांव में आ चुके हैं। तो कहीं पे भी आप बैठोगे, आप में अगर ताकत है तो गांव शहर बन जाएगा, या गांव जो है वो आर्ट सेंटर बन जाएगा, और आप जो है वो मस्ती से अपना जीवन। सो 20 साल बाद या 50 साल बाद, अगर जब कोई आपके गांव आता है, व्हाट शुड क्रिएट मेमोरी दैट यहाँ पे विद्यासागर जी पैदा हुए थे एंड यू नो ही इज़ एन एमिनेंट आर्टिस्ट? ऐसा कुछ सिग्नेचर कुछ आप छोड़ के जाना चाहते हैं वहाँ पे?
वहां हमारा स्टूडियो है, पूरा आर्ट सेंटर है हमने बना रखा है, वाह और हमारी कोशिश ये भी होगी कि वहां हम जो है वो, अगर मेरे बच्चे थोड़े ज्यादा जोश खा लेंगे तो एक मेरी आर्ट गैलरी भी, मेरे कलेक्शन की गैलरी भी वहां बनाने का प्लान है। तो और अगर मैं नहीं भी हूँ तो लोग आज भी जाते हैं तो उनको बस स्टैंड से ही मालूम पड़ता है अगर आर्टिस्ट है, कि हमारे भी तो आर्टिस्ट है, ये आगे चल के मेरे गांव के लोग बोलते हैं। ये तो मेरा सौभाग्य है कि उस गांव में मैं पैदा हूँ। सुपर। और सारे कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं, आलोक मजुमदार जी बोल रहे हैं वेरी ट्रू, वेल सेड सर, रमी कुमारी जी थैंक यू बोल रही हैं, विनोद शर्मा जी बोल रहे हैं वेरी नाइस इंटरव्यू विद्यासागर जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सर, आर्टिस्ट यू नो बहुत इंक्लाइंड हो जाते हैं, मतलब घुस जाते हैं अपने थॉट प्रोसेस में आर्ट बनाने के लिए, ये जर्नी में क्या आर्टिस्ट अपना हेल्थ का ख्याल रखते हैं या आर्टिस्ट जो कैटेगरी आर्टिस्ट है वो हेल्थ को बहुत बाजू में लगा देते हैं, एंड इस चीज़ में व्हाट इज़ योर हेल्थ मंत्रा, मतलब आप का क्या स्टाइल आप है? जिस ओर आप इशारा कर रहे हैं वो हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट की वीकनेस है कि जो काम इतना करते हैं और काम के साथ में अपने स्वास्थ्य पे कम ध्यान देते हैं। पर आज एक बहुत अच्छी स्थिति ये हुई है कि हेल्थ कॉन्शियसनेस बढ़ी है और रेगुलर चेकअप कराना है, अपना टाइम से खाना खाना है या ड्रिंक कम करना है, ये सारी चीजें जो है वो आज की स्थिति में आई है, और जो इससे हटता है वो तो चाहे आर्टिस्ट हो या चाहे नॉन आर्टिस्ट हो उसकी दयनीय स्थिति होती है, वो सभी देख रहे हैं। पर हाँ, अभी जो यंगर जनरेशन है वो तो अपने हेल्थ कॉन्शियस, योगा करती है टाइम से और खाना बहुत अच्छा हाइजीनिक फूड लेना है तो लेना है, करनी है तो करनी है, नहीं करना है तो नहीं करना है, बाहर अच्छा हवादार स्टूडियो में काम करना है, तो ये सारी चीजें आज की स्थिति में आई हैं और बहुत अच्छी हैं। और मैं भी खुद ध्यान रखता हूँ, सुबह जल्दी उठता हूँ और घूमने जाना मेरी एक रूटीन है 5 बजे उठ के, और वो चाहे सर्दी हो या गर्मी हो तो वो मेरा हमेशा का रूटीन है, मैं जाता हूँ हाथ में कुछ एक्सरसाइज करता हूँ फिर अपना स्टूडियो में काम करना शुरू कर देता हूँ, और जब आवाज आती है कि अभी तो चाय आ गई है तो मैं बाहर आकर के फिर बैठता हूँ परिवार के साथ में, निकालता हूँ फिर बाद में जब भी थोड़ा तैयार होकर के फिर मैं वापस अपने स्टूडियो में चला जाता हूँ। तो खाने टाइम से खा लेता हूँ, टाइम से मैं सो लेता हूँ, ये सारी चीज तो ये होना चाहिए। और आज ये समय जो अभी है उसमें तो हर व्यक्ति को ध्यान रखना ही है, अपना मास्क पहनना है, डिस्टेंस रखना है, अपना पॉजिटिविटी बनाए रखना है, समय पे हर चीज को रखना है, फालतू में कहीं बाहर जाना नहीं है। तो इसलिए अगर मैं इसी सारी चीजों की नहीं करेंगे तो सब मुश्किल में आ जाएंगे, बहुत सारे हमारे अच्छे आर्टिस्ट छुट गए हैं इसी चक्कर में। तो ऊपर वाले से मैं कामना करता हूँ कि हमारे सारा आर्ट फील्ड जो है, सारी दुनिया बहुत स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, आर्ट फील्ड तो रहे। सुपर सर। सो क्या बहुत स्ट्रिक्ट हो कि आपके स्टूडियो के अंदर कोई नहीं आना चाहिए या फैमिली मेंबर्स अलाउड है, या आप यू वेरी पर्टिकुलर दैट जब आप काम कर रहे हो स्टूडियो के अंदर कोई अंदर नहीं आएगा? नहीं, मैं इतना इतना उस रूप में मैं नहीं रहता हूँ, 99% तो मेरे स्टूडियो में कोई आता ही नहीं, जानते हैं कि मैं काम कर तो नहीं आएंगे, और कोई मिलने वाले भी आएंगे तो बैठे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो पब्लिक में काम करने वाला भी। मुझे अगर रोड साइड पे भी अगर मुझे मेरा अपना मटेरियल और कैनवास मिले और ये कि आपको काम करना है तो मुझे कोई वो नहीं है, मैं सबके बीच में काम करता बहुत पसंद करता हूँ, इतना मैं आइसोलेट नहीं हूँ। ओके, तो मेरे स्टूडियो में भी आता भी है, बैठते भी है, तो कोई वो नहीं है, और जितना मुझे अपना कैनवास पे काम करना है और काम हो जाएगा तो उसके बाद में उसके पास आकर के बैठने में मुझे अच्छा। सो कोई साउंड नॉइज एंड ऑल दैट ये सभी कोई डिस्ट्रैक्शन आपके काम में मतलब इफेक्ट नहीं करता? नहीं, कोई तो ऊपर वाले की मेहरबानी है, मैं कभी इतना इंट्रोवर्ट रहा ही नहीं, दोस्तों के बीच में खूब रहा हूँ, एक्टिविटीज के साथ में खूब रहा हूँ, और जब भी मौका मिलता है तो कुछ ना कुछ जो है वो आर्ट की पार्टियां जरूर करते हैं,
अभी भी मैंने दोस्तों से बोल दिया कि जैसे ही ये हम इस महामारी पैंडेमिक से दूर होंगे तो आप सबको मेरे यहाँ आना है, हम उदयपुर में टकमर सेंटर में एक बड़ा प्रोग्राम करने वाले, तो ये चलता रहता है। सुपर। रेमी कुमारी जी का एक क्वेश्चन है, सेल्फ टॉट आर्टिस्ट के लिए कुछ बताइए, वो कैसे अपने आर्ट को आगे बढ़ाए। आर्ट को हम बेसिक स्टडी कर सकते हैं, बेसिक टिप्स ले सकते हैं, इसके बाद में आर्ट को आगे बढ़ाने के लिए तो आपको कोई टिप्स नहीं देगा, आपको खुद को ही करना होगा। आपके अंदर जो कुछ भी है, आपने दुनिया को जिस रूप में देखा है वही आपकी टीचर होगी इसके बाद, और उसी से आप आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, पर बेसिक चीजें आपको जरूर देखनी चाहिए, दुनिया में आज क्या हो रहा है, आर्टिस्ट लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, उनके काम करने का के माध्यम क्या क्या है, ये सब बेसिक चीजें होंगी। तो आप सोचते बहुत हैं पर आप उसको कैनवस पे नहीं ला सकते, तो उसको कैनवस पे लाने के लिए आपको बेसिक ट्रेनिंग वो करेंगे, फिर आप खुले मन से अपना काम करेंगे, कोई बंदिश आप नहीं रखेंगे, तो और रेगुलरली काम करेंगे, पागलों की तरह काम करेंगे, तो ही जाकर के आपको आर्ट में कुछ मिलेगा, अदरवाइज कुछ नहीं मिलेगा। गुड रेस्पॉन्स टू दैट क्वेश्चन। ललित शर्मा जी कुछ हिंदी में बोल रहे हैं, थोड़ा मुश्किल होगा मेरे को पढ़ने के लिए, मैं भी ट्राई करता हूँ। स्वास्थ्य और स्पष्ट वर्त के लिए, सॉरी बहुत मुश्किल हो रही है, वो छोटे छोटे हैं ना, तो कोई आई बात थिंक नहीं, दिस मैं क्वेश्चन ललित 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 से शर्मा बाद में बात जी, कर लूंगा। बट अशोक भंडारी जी बोल रहे हैं हेल्थ एंड आर्टिस्ट, नाइस टॉक। आई थिंक ये बहुत पसंद आया जब आप हेल्थ के बारे में, आर्टिस्ट के हेल्थ के बारे में आपने बात किया। होना चाहिए, जरूरी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सर, आपके एक्सपीरियंस में, अभी तक की जर्नी में सबसे मेमोरेबल अचीवमेंट, आपने नेशनल अवार्ड भी पाई है, सो व्हाट इज द बेस्ट अचीवमेंट यू फील दैट ये दिस इज द बेस्ट आउट ऑफ ऑल ऑफ द थिंग्स। देखिए, अवार्ड तो अपनी जगह है, मैं पढ़ता था तभी मुझे स्टेट अवार्ड मिल गया, और इसके बाद में मिलते रहे, अब मैं उस अवार्ड की भूख भी नहीं रखता, कोई कहता है तो मैं उसको हाथ जोड़ देता हूँ, भैया मुझे अवार्ड नहीं चाहिए, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा अपने काम में बिलीव करता हूँ, और मेरे काम का माहौल मुझे मिलता है, शरीर मुझे साथ देता है, दोस्त मुझे सपोर्ट करते हैं, और वही मेरे मेरे लिए सब, और वो हमेशा उसी आनंद को मैं प्राप्त करते रहता। जब भी मैं आर्ट कैंप में, नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के कैंप में भी जाता हूँ या छोटे कैंप में भी जाता हूँ, तो मैं बहुत एंजॉय करता हूँ कि मैं दोस्तों के बीच में उनके अनुभवों को शेयर करता हूँ, जिन किसी किसी को छेड़ने की का मजा आता है, तो कभी उनके काम को देखने का मजा, उनकी पास्ट जर्नी को पता है, उनका अकल क्या करने वाला है, उसकी उसमें बात करते हुए मजा आता है, ये सब चीजें मैं करता रहा हूँ, और वो वही मेरे लिए सुख के क्षण है, दोस्तों के साथ रहना, दोस्तों की ताकत, मैं अपनी ताकत मानता हूँ, और वही सारी चीजें जो है वो सबसे, परिवार का जो सहयोग है वो भी मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ, आज भी मेरा परिवार जो है हमेशा मेरे साथ खड़ा है, और मेरे मेरे ब्रदर हैं, मेरे जो भतीजे हैं, बेटा है, बेटी है, वाइफ है, सारे लोग दोस्तों के साथ साथ, ये भी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, और वो मेरी ताकत है, और वो हमेशा मुझे, मैं कभी काम करने के मूड में नहीं हो तो क्या हुआ आज, काम क्यों नहीं हो रहा है, ये सारे प्रश्न आते हैं, और फिर वो कुछ ऐसी बात कर देते हैं कि मैं उठ करके वापस अपने स्टूडियो जाता हूँ और काम वापस शुरू हो जाता हूँ, तो वो ताकत जो है या वो इंस्पिरेशन जो है वो मुझे दोस्तों से और परिवार से ही, सोसाइटी ने मुझे खूब दिया है। मैं अर्ली पीरियड की बात करूं, 70 में मैंने पहला शो किया था, और मेरे पास में कुछ भी नहीं था, मैंने 25 रुपए में तो गैलरी बुक कराई, और 25 रुपए बाकी दूसरे खर्च करके मैं दिल्ली गया था, आईफैक्स में मैंने पहला शो, जब 160 रुपए में मेरी ड्राइंग सेल हुई तो मुझे मेरे खुशी का जो अंदाजा नहीं लगा सकते आप, इतना मैं खुश कि मैं मेरे मैंने आज इतना बड़ा एच 160 रुपए में एक छोटी सी ड्राइंग जो है उस समय मैंने सेल की,
वो ऐसे अच्छे क्षण जो बहुत हैं, तो किसी नेशनल गैलरी में कभी किसी से झगड़ा हो गया और उसी साल उसने मेरी पेंटिंग खरीद ली। वो एग्जीबिशन में आया था तब तो उल्टा सीधा बोल रहा था, पेंटिंग खरीदने में बिल्कुल अलग तरह के अंदाज है वो। फिर मेरी उनसे बात हुई तो वो बताने लगे कि मैं ये बोल रहा था, ये नहीं, वही पेंटिंग जो हमारा बहुत डिस्टर्ब वहां। ऐसे कई ऐसी स्थितियां आती है और हर आर्टिस्ट के साथ होता है। मैं तो गांव का आदमी हूँ तो आड़ू किस्म का आदमी हूँ, तो जो है वो सामने जो बोलना है वो स्पष्ट बोल देता हूँ, और जो मुझे बुरा माने हैं कि नहीं। कई लोग हैं ऐसे आज भी मुझे यही सोचते हैं कि ये इससे संपर्क रखना थोड़ा दूर है, तो वो, पर जब उनको मालूम पड़ता है कि नहीं, मैं तो, मेरा तो स्वभाव ही ये है, तो वैसे ही मैं अपने आर्ट में भी यही करता हूँ, जो कोई काम को नहीं करता मैं वहां से स्टार्ट। अच्छा तुम्हारा ये जो है, मैं इतना से कैनवास को लेकर के, जो 3 इंच बाई 3 इंच के कैनवास को लेकर के पेंटिंग करता हूँ, और ऐसे 20-25 कैनवासेस देख करके लोग कहेंगे कि ये क्या किया। मैंने कहा कि हाँ यही तो मजा है। और मैं 12 फीट के कैनवास को भी जब शुरू करता हूँ तो मैं जब तक पूरा नहीं करता तो जो है वो जुनून के साथ में लगा रहता हूँ, और मैं जब पूरा होता है तभी मैं हटता हूँ। तो ये मेरी अपनी नेचर है, लाइफ में भी ऐसा ही हूँ और आर्ट में। जो मुझे जानते हैं उनको तो मालूम है। ये आप बहुत सारे आर्ट्स में ये सोशल एंगल भी आ गई थी, सोशल कॉजेस के लिए आपने पार्टिसिपेट किए, ये कब शुरू किया एंड व्हाई डिड यू डिसाइड दैट मेरे को एनजीओस के साथ या सोशल कॉजेस के ऊपर भी मेरा लाइफ या टाइम कंट्रीब्यूट करना चाहिए? जब हमने टकमन स्टार्ट किया था तो टकमन का एक उद्देश्य ये भी था कि हम सोसाइटी में जो न्यू आर्ट जो है, नया आर्ट मूवमेंट है, उसको हम ज्यादा से ज्यादा दिखा सकें और लोगों को इसके साथ में जोड़ सकें। वहां से हमने शुरू किया। इसके बाद में हमारा जो गांव में जो एनजीओ है उसके साथ में रेगुलरली, मेरी गाँव में एनजीओ बनाया इसलिए कि वहां के लोग इसको जो आर्ट का एक माहौल दे सके, कल्चर का एक माहौल दे सके, म्यूजिक का एक माहौल दे सके। तो वहां का भी जैसे मेरा एक ड्रीम है कि मैं हर गांव में एक लाइफस्टाइल म्यूजियम बनाना चाहता हूँ, और हमने कुछ स्टार्ट भी किया। पर मेरी अपनी लिमिटेशंस हैं थोड़ा हर तरह से, तो वो मैं उसको ज्यादा वो नहीं, पर हाँ वो एक मुहिम है जो आने वाले समय में कुछ न कुछ होता रहेगा। तो वैसे हमारे यहाँ जो एक जनकला साहित्य मंच है जिसका मैं चेयरपर्सन हूँ और हम सालों से इसके साथ जुड़े हैं, तो हमारे 2 शेल्टर होम चलते हैं। तो जो बच्चे ऑर्फन चिल्ड्रन से या जो घर से भाग भाग जाते हैं उन बच्चों को हम शेल्टर देते हैं, और वहाँ बच्चे वो छोटे से बड़े हुए हमारे सामने और वो आज अपने जीवन में जी रहे हैं, तो वो थोड़ा खुशी होती है कि हम ये भी जो है हमारा दायित्व तो बनता है। और एनजीओज हैं उनके साथ भी कभी भी उनको वो जरूरत होती है कि सर आइए और ये बच्चों के लिए कुछ चैरिटी करना है, मुझे अच्छा लगेगा, और मेरे सारे दोस्तों को मैं जोड़ता हूँ, और उनके लिए जो कुछ भी हम कर सकते हैं करते हैं। ये हर फील्ड में होता है, हर व्यक्ति करता है। मैं कोई बहुत स्पेशल काम नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी ड्यूटी बनती है सोसाइटी को कुछ करने की, तो वो करता। रिलेटेड टू द सेम क्वेश्चन सर, एक आर्टिस्ट के लिए जब वो स्ट्रगल यू नो ये जब फेमस हो जाता है, जब उसके आर्ट बिकने लगते हैं, सोसाइटी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए एक आर्टिस्ट के लिए या एक आर्ट फर्टिनिटी के लिए? व्हाट ऑल चेंजेस दे कैन ब्रिंग एज अ आर्ट फर्टिनिटी टू द सोसाइटी, टू द नेशन? मैं ज्यादा ये मानता हूं कि जो इस तरह के जो आर्टिस्ट हैं जिनके पास में तो फाइनेंशियली जो है वो बहुत अच्छी स्थितियां होती हैं, तो उनके अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ करना। बाकी और सोसाइटी के और जो घटक हैं, एनजीओस बहुत है वो करते हैं, पर अगर वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए उनको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज देने के लिए, उनको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए, उनके इंस्टीट्यूशन में जाकर के कभी जो है वो अपने आप को अपनी सेवाएं देने की स्थिति हो जो कर सकते हैं ऐसा कुछ करें, वो मैं ज्यादा अच्छा मानता हूँ। बनिस्पत जो वो तबका है जो उसमें तो कर देते हैं, पेंटिंग दे देते हैं और उसके उनकी पेंटिंग बिकती है, उससे वो जो है वो एनजीओ अपना आगे का फाइनेंस जुटा लेते हैं। बात पर वो मैं डायरेक्ट जो आर्टिस्ट कम्युनिटी है उससे जुड़ने की मैं बात करता हूँ, और वो अगर हमारे सो कॉल्ड स्थापित कलाकार जो सोसाइटी में काफी बेच रहे हैं और फाइनेंस उनके पास में है,
तो उनको उन लोगों को उन आर्टिस्ट को क्रिएट करना चाहिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो गांव से आते हैं या जो गरीब तबके के हैं और उनके उनके अंदर आर्टिस्ट बनने की भूख है, तो उनके लिए कुछ साधन जुटा सके, उनको कुछ स्कॉलरशिप दे सके, वो कुछ मटेरियल की व्यवस्था करें, उनके फीसेस की व्यवस्था करें, अच्छे पढ़ाई की अच्छे इंस्टीट्यूशन में जा सके, ऐसी कुछ व्यवस्था करें, वो उनको करना चाहिए। और कुछ लोग करते भी हैं, नहीं करते ऐसा नहीं, करते हैं पर संख्या कम है और वो ज्यादा। सर और थोड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं। जी एन रचना जी, रचना जी पूछ रहे हैं, सर आई एम ए डिजिटल आर्टिस्ट, व्हाट डिजिटल आर्ट का फ्यूचर है, मतलब डिजिटल आर्ट का क्या फ्यूचर है, ये पूछ रहे हैं डिजिटल जी। वर्ल्ड चल रहा है आज के जमाने में, हर चीज तो डिजिटल है। अगर आपके काम में बहुत अच्छी स्थितियां हैं, काम जो है वो आपका एक्सक्लूसिव है, आपके काम में नए से नए अप्रोच आ रही है, तो डिजिटल आर्ट हो या कैनवेस आर्ट हो या स्कल्पचर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब बराबर है और सभी का फ्यूचर जो है अपनी अपनी जगह बहुत अच्छा है। निश्चित रूप से डिजिटल आर्ट की इस देश में, जैसे प्रिंट मेकिंग की बहुत अच्छी स्थितियां मार्केट में नहीं हुई, वैसे डिजिटल आर्ट की भी है, अरे ये तो प्रिंट है या अरे इसमें तो क्या है ये इस तरह के, पर नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है, मिथ टूट रहा है, क्योंकि हम हर चीज को डिजिटलाइज कर रहे हैं, हर चीज का जो नई टेक्नोलॉजी के साथ में हम जोड़ रहे हैं, तो इसमें भी उसका जो है वो फ्यूचर बहुत, और आपको अपडेट होना पड़ेगा, आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़े रहना पड़ेगा, तब जाकर के बहुत सारी चीजें आपको, आप लगे रहिए, निश्चित रूप से मेरी शुभकामनाएं हैं और आप निश्चित अच्छा करेंगे, क्योंकि आपके अंदर कुछ करने की भूख है, चाहे उसका माध्यम कुछ भी। थैंक यू आलोक मजुमदार जी बोल रहे हैं, सो इम्प्रेसिव एडवाइस फॉर आर्ट टीचर्स। ललित शर्मा जी बोल रहे हैं, कला और कलाकारों के लिए कभी भी ना नहीं सुनना चाहिए, ये वो बोल रहे हैं। और स्नेहा जी पूछ रहे हैं, सर टेल अस अबाउट योर ड्रीम प्रोजेक्ट, सो क्या क्या चल रहा है, क्या ड्रीम प्रोजेक्ट है आपका? एक सोसाइटी के लिए है वो तो अपनी जगह है, उसका तो मैं अपने आप में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे साथ में पूरी टीम होगी तभी जाकर के होता है, पर मैं अपना एक पूरा म्यूजियम बनाना चाहता हूँ। और मेरा एक, इससे पहले मैं एक रेट्रोस्पेक्टिव शो जो 50 इयर्स ऑफ माय जर्नी, तो उसके लिए मैं प्लान कर रहा हूँ, और उस पे उसके साथ ही एक अच्छे पब्लिकेशन का प्लान कर रहा हूँ। आप सभी का सहयोग होगा, सभी की शुभकामनाएं होंगी, तो आने वाले समय में ये भी पूरा होगा। और बाकी रही मेरे अपने काम की बात, तो आप सब मुझे इतनी ताकत दीजिए कि मैं काम करता रहूं, नए से नया एक्सपेरिमेंट करता रहूं, नई से नई सोच के साथ में मैं आप सबके साथ जुड़ता रहूं, और आप जो है वो मुझे प्रोत्साहित करते रहिए, और नया से और नई चीज, रोज नई बात आती है, नए सोच आते हैं, तो वो और आते रहें और मैं आपके साथ जुड़ा रहूं, बस ये। सुपर सर, सुपर, ऑल द बेस्ट फॉर योर ड्रीम प्रोजेक्ट एंड आई कम्प्लीटली एग्री, जो अगर कम्युनिटी स्ट्रांग हो और सब मिलके एक एक का ड्रीम प्रोजेक्ट एक एक महीने एक एक साल कंप्लीट करने के लिए एग्री हो जाए, ये सभी ड्रीम प्रोजेक्ट्स बनना बहुत इजी है। सो यू नो वही बोलते हैं हमारे कम्युनिटी में, जीप हम लोग जनरली यूज़ नहीं करते, बहुत रेयरली यूज़ करते हैं सभी को उसमें, बट एक जीप रहने का ये रहता है, तो सब मिलके मतलब एक एक लाख 8 लाख यू नो यूज़ इट। सो आई थिंक ऐसे ही कम्युनिटी में अगर एक एक म्यूज़ियम एक एक आर्ट गैलरी डिसाइड करे कि ये साल ये बनेगा, सब साथ रखेंगे, सो आई थिंक बहुत चीज़ें कर सकते हैं। सो ऐसा ही कुछ प्रयास हमारे पूरी टीम कर रही है, और मेरे गांव में बहुत सारे लोग हैं जो इसके साथ जुड़े हैं, और गांव के छोटे छोटे गांव पास के जितने हैं उनमें भी कई, जब कलाकार जाते हैं उन गांव में जो काम करते हैं, तो पूरा सपोर्ट उनको मिलता है, और उनको मालूम है कि कलाकार के साथ में कैसे व्यवहार करना चाहिए, बाहर का विदेशी भी है तो उसके साथ में, हमारे देश में तो वैसे ही हॉस्पिटलिटी बहुत फेमस है, अभी पूरी गड़बड़ है, अभी सबको डिस्टेंस मेंटेन करना है, और तो वो तो समय छोटा सा है, निकल जाएगा,
उसका पूरा आनंद गांव के लोग भी लेते हैं और बाहर के आर्टिस्ट जो आते हैं, चाहे इंडियन हो चाहे विदेशी हो, वो भी खूब आनंद लेते हैं। और वो माहौल जो है वो हम और भी ज्यादा अल्लाह हो जाएगा। हो जाएगा सर। इतने सारे पॉजिटिव लोग हैं तो रेमी कुमारी जी थैंक यू बोल रहे हैं। बहुत सुंदर थॉट है सर आपका, वेरी इंप्रेसिव टॉक, बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं आपके बातों में। न्यू आर्टिस्ट के लिए जो आप कर रहे हैं बहुत सराहनीय है, सराहनीय है। मेरी बहुत सारी विशेस हैं आपके लिए। सो ये सभी एनर्जी बूस्ट दे रही हैं रेमी जी, बिकॉज आपने पूछा है कि आप पीछे से एनर्जी दीजिए, हम आगे और काम करेंगे। आलोक मजूमदार जी बोल रहे हैं, यस यू आर ग्रेट सर, योर कॉन्सेप्ट इज़ डिफरेंट एंड अल्टीमेट। नमस्ते जी। सुमित्रा जी बोल रहे हैं, आपको हार्दिक स्वागत है, बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। सो देखिए कितने सारे कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं, आपके ड्रीम प्रोजेक्ट तो बन जाएगी फॉर श्योर। ये इन सब साथियों की मेहरबानी है, उनका जो स्नेह है, इसीलिए तो मैं आर्ट कर रहा हूँ, आर्ट में जिंदा हूँ। अदरवाइज तो वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? दोस्तों से मिली है, वेलविशर से ही मिली है, आर्ट लवर से ही मिली है, सोसाइटी से मिली है, और वो मिलती रहेगी, मुझे मालूम है। सो सुमित्रा जी बोल रहे हैं, आप प्रेरणादायक हैं, प्रेरणादायक है आपको, आपके विचार। सो सर नमस्ते बोल रहे हैं दिलीप दावे जी। सो अगेन सर थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग ऑन द शो, आपने जो टाइम लिया हमारे आर्ट शो आने के लिए। एंड थैंक्स टू स्नेहा, स्नेहा जी, बिकॉज यू नो बिकॉज ऑफ हर आई एम एबल टू कनेक्ट विथ एमिनेंट आर्टिस्ट लाइक यू एंड ऑल द फ्रेंड्स हु आर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग दिस पर्टिकुलर शो, बोथ फ्रॉम आर्ट कम्युनिटी, न्यू आर्टिस्ट हु स्टार्टेड डूइंग आर्ट रिसेंटली। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने अभी पैंडमिक में आर्ट शुरू की है, और बहुत सारे लोग दे आर नॉट फ्रॉम आर्ट बट दे लाइक आर्ट, दे अप्रिशिएट आर्ट, दे आर द बायर्स ऑफ आर्ट। सो सभी जो देख रहे हैं थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग अस अगेन सर, थैंक्स अ लॉट फॉर टेकिंग टाइम आउट। कुछ बोलना चाहते हैं ऑडियंस को बिफोर वी एंड दिस पर्टिकुलर टॉक शो? हमारे लिए, आर्टिस्ट के लिए, आर्टिस्ट कम्युनिटी के लिए खाली आर्टिस्ट आर्ट स्टूडेंट ही महत्वपूर्ण नहीं है। ज्यादा महत्वपूर्ण है आर्ट लवर्स, आर्ट कनोजियर्स, आर्ट में इनडायरेक्टली जीने वाले। अगर वो नहीं हो तो हमारे आर्ट का कोई मतलब नहीं, हमारे आर्ट गैलरीज का कोई मतलब नहीं। हम जो है वो सही रूप में उनकी ही देन, और सोसाइटी में आर्ट का माहौल होगा, लोग आर्ट से संस्कारित होंगे, अच्छी आर्ट देखेंगे, अच्छे आर्ट के बारे में वो बात करेंगे, अच्छी आर्ट को चाहे यंग लड़के की भी हो, बाय करने की प्रैक्टिस डालेंगे, तो आने वाला समय जो है हर घर में एक ओरिजिनल वर्क ऑफ आर्ट देखने का हो, और वो ड्रीम मेरा जो है वो निश्चित रूप से अगर हम सभी प्रयास करेंगे तो होगा। लो प्राइस भी होगा, कोई ऐसी बात नहीं है कि जो है वो 5 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, 50 लाख, 25 लाख, नहीं, 500 रुपए में भी आप ड्राइंग खरीद सकते हैं, उसको आप अपने ड्राइंग रूम में लगा सकते हैं, 5,000 रुपए में भी, और 5,000 रुपए में तो आप जो है महिलाएं साड़ी खरीद लेती हैं या जेवर के लिए 1 लाख रुपए लेते हैं। तो छोटी मोटी खरीद जो है वो आर्ट की आप करें, और आर्टिस्ट को जो है वो अपने साथ रखें, मतलब एज ए वर्क ऑफ आर्ट जो किसी आर्टिस्ट का काम आपके पास है वो आर्टिस्ट आपके साथ, आप उसके काम के साथ में जीते हैं, और आपको उस काम से बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। आप ये करके देखें, आप अपने अपने घर में ओरिजिनल वर्क ऑफ आर्ट लगाएं, कैलेंडर या जो रिप्रोडक्शंस की स्थिति से बचें, तो इस देश में हर कलाकार को एक अच्छा प्लेटफॉर्म। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया स्नेहा थैंक यू सर, जी, थैंक्स अ लॉट, और यही इसी तरह का माहौल हमें मिलता रहे कलाकारों के साथ में। बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे अहेड।